कराची के रिहायशी शाहिद सिद्दीक कम उम्र में ही बेनाई की नेमत से महरूम हो गए थे। बेनाई से महरूमी को उन्होंने मजबूरी न बनने दिया और अंग्रेजी अदब में एमए किया और अब सरकारी कॉलेज में बाहैसियत लेक्चरार इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। शाहिद सिद्दीक स्कॉलरशिप के जरिए आला तालीम हासिल करने बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे जीआरई का टेस्ट देना है और लास्ट डेडलाइन जो है वो 3 मई है और लेकिन मेरा पासपोर्ट अभी तक नहीं बन सका। पासपोर्ट मिलने की तवक्को पर शाहिद सिद्दीक रोजाना पासपोर्ट ऑफिस पहुँच जाते हैं, ताम उन्हें पासपोर्ट के हुजूल में नाकामी और तस्दीक का सामना करना पड़ता है। ये पासपोर्ट दे रहे हैं और उसके अलावा ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि इसको अर्जेंट में कन्वर्ट कर दें तो उसके लिए मना कर रहे हैं और इनका रवैया बिल्कुल उस तरह का है जिस तरह शायद कोई फकीरों के साथ भी रवैया अख्तियार नहीं कर। सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, सब कुछ काम कम्प्लीट है, तैयारी इनकी बिल्कुल ठीक और अच्छी जा रही है, तो बजाय इसके कि वो लोग इनकी मदद करें इनके कामों में रुकावट डाल रहे हैं। बैरून मुल्क आला तालीम और स्कॉलरशिप टेस्ट में कामयाबी के लिए शाहिद सिद्दीक दिनों रात तैयारी में मसरूफ हैं और इस मकसद